सभी को नमस्कार। आपके अपने चैनल में आप सभी को तहे दिल से स्वागत है। आज मैं एक इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर का रिव्यू करने वाला हूँ। ये है 11 का इंपीरियल मॉडल। 5 लीटर कुकर की कैपेसिटी है। इसे आप इंस्टेंट पॉट भी बोल सकते हैं। ये जो मॉडल है इसका इनर पॉट स्टेनलेस स्टील का है। इसका एक और भी मॉडल है जिसका इनर पॉट सिरामिक का है। उसका प्राइस थोड़ा कम है। स्टेनलेस स्टील का जो मॉडल है वो थोड़ा एक्सपेंसिव है सिरामिक पॉट से। अब ये एक तरह से इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर है। आप में से काफ़ी सारे लोगों के मन में एक क्वेश्चन शायद आ रहा है, हाँ इसमें सीटी बजती है भाई। अब आप देखिए इसमें कितना सारा बटन है। हर एक बटन का काम मैं एक्सप्लेन करूँगा, पर ये सभी एक्सप्लेन करने में वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है। आप पूरा इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। यहाँ पर देखिए बहुत सारे बटन से और हर एक बटन का अलग अलग फंक्शन है। यहाँ पर देखिए प्रेशर कुकर का बटन है जिससे कि आप इस इंस्टेंट पॉट को प्रेशर कुकर की तरह यूज़ कर सकते हो। उसके नीचे स्लो कुकर का बटन है जिससे आप स्लो कुकर मोड को यूज़ कर सकते हो। इस मोड में खाने की टेस्ट और न्यूट्रिशन सबसे ज़्यादा बरकरार रहता है। बस जैसे कि नाम पर ही लिखा है, स्लोली कुक करता है खाने को, तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लेता है। उसके नीचे सौते का बटन है जिससे आप खाने को सौते कर सकते हो। उसके नीचे स्टीम का बटन है जिससे आप मोमोज या कुछ भी स्टीम कर सकते हो। एक के लिए अलग से बटन दिया गया है। उसके नीचे केक का बटन है जिससे आप केक बना सकते हो। और उसके नीचे ये मुझे सबसे बढ़िया लगा कि आप योगर्ट या दही भी बना सकते हो, तो अलग से आपको योगर्ट मेकर खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी योगर्ट मेकर मार्केट में बहुत ही चीप रेट में मिल जाएगा आपको, फिर भी उनसे तो ये थोड़ा अच्छा ही है। अब उसके बगल में कैंसिल का बटन है जिससे आप कोई भी प्रोग्राम को कैंसिल कर सकते हो। उसके बगल में कीप वार्म वाला बटन है जिससे कि आप खाना गर्म रखते हो। उसके बगल में स्टार्ट वाला बटन है जिससे कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट होता है, जाहिर सी बात है। उनके ऊपर प्रेशर लेवल का बटन है जिससे आप मैनुअली प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। उसके ठीक साइड में डिले का बटन है जिससे आप अगर चाहो कि कुछ देर बाद आपका कुकर ऑटोमेटिकली चल के खाना तैयार करके देगा और आपको सर्व भी करेगा, तो वो बिल्कुल भी नहीं करेगा। पर हाँ, अगर आप खाना डाल देते हो तो पक्के रेडी हो जाएगा। उसके ऊपर आवर्स और मिनट का बटन है जिससे कि आप प्लस और माइनस बटन को प्रेस करते हुए टाइम को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। अब उसके साइड में ये पोल्ट्री का जो बटन है ये बहुत ही काम का बटन है। अगर आप इसमें फ्रेश एग डाल के लिड ऑन करके रखते हो तो 2 या 3 दिन में यहाँ से चूजा निकल के बाहर आएगा। असल में ये बटन किस काम में आता है मुझे खुद पता नहीं। मैंने ऑनलाइन पे रिसर्च किया था पर हर एक जगह डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मिल रहा था, तो मैं इस बारे में कुछ बताना नहीं चाहता। कुछ पता नहीं है तुम्हारे भाई को। उसके नीचे मीट और स्ट्यू का बटन है। उसके नीचे बीन चिलीज का बटन है। क्यों है मेरे को नहीं मालूम, बस है। उसके नीचे सूप ब्रॉथ का बटन है। उसके नीचे राइस का एक खतरनाक वाला बटन है। इसे नहीं दबाएगा, मैं बिल्कुल भी नहीं दबाएगा। अब क्यों नहीं दबाएगा ये मैं बाद में बताएगा, रुको। अब इसके नीचे मल्टीग्रेन का बटन है। अब उसके नीचे जो बटन है उससे खीर बनता है। बस आप इस इंस्टेंट पॉट को प्रेशर कुकर की तरह तो यूज़ कर सकते हैं और इसे आप और भी कई तरीकों से यूज़ कर सकते हैं। इस स्टेनलेस स्टील मॉडल का एक और प्लस पॉइंट है कि इनर पॉट स्टेनलेस स्टील के होने की वजह से खाने की जो न्यूट्रिएंट्स है वो इंटैक्ट रहता है। इस मॉडल की सबसे बड़ी खासियत ये है, अगर आप सोचते हो कि प्रेशर कुकर से फूड न्यूट्रिएंट नहीं रहता तो आप प्रेशर को लो भी कर सकते हो। आप इसे स्लो कुकर की तरह भी यूज़ कर सकते हो, आप इसे स्टीमर की तरह भी यूज़ कर सकते हो, और आप इसमें योगर्ट भी रेडी कर सकते हो। मतलब प्रेशर को आप मैनुअली रिड्यूस भी कर सकते हो। मतलब आप सच में इसमें कुछ भी कर सकते हो, बस ईंट को मत पकाना। राइस इसमें रेडी होने में सिर्फ 4 मिनट लेता है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। अब डिफ़ॉल्ट राइस बटन में टाइमर बहुत ही ज़्यादा दिखा रहा था, तो हमने जब राइस पकाना शुरू किया तो एकदम से राइस केक बन गया था। राइस को बनाने के लिए अब प्रेशर मोड में 4 मिनट रखिए, इससे राइस बिल्कुल पक के रेडी हो जाएगा और खिला खिला सा रहेगा। और पानी थोड़ा कम लेना, नहीं तो राइस केक खाने के लिए तैयार रहना। दाल और एक बॉयल होने में लगभग 3 से 4 मिनट्स लेता है। इससे आप सॉटे मोड पे कुक कर सकते हो। सीधी भाषा में ढक्कन खोल के कढ़ाई की तरह भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। इस कुकर को यूज़ करने के लिए आपको 16-20 एम्प का सॉकेट पे प्लग करना पड़ेगा। कॉर्ड डिटेचेबल है। अब आते हैं इस कुकर की पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स पे। इस कुकर में आप हर एक काम कर सकते हो
जो आप नॉर्मल कुकर में करते हो, और उसके अलावा भी आप सौते, स्टीमर, स्लो कुकर, एक बॉयलर, प्रेशर कुकर और भी बहुत सारे तरीकों से आप इसे यूज़ कर सकते हो। इनरपोट स्टेनलेस स्टील का होने से आप इजीली इसे डिशवॉशर में यूज़ कर सकते हो। पावर कॉर्ड की लेंथ भी अच्छी खासी है। अब आते हैं इसके नेगेटिव पॉइंट्स पे। इसका सिर्फ एक ही कॉन लगा मुझे, अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग राइस कुकर है तो उससे पावर कंजम्पशन थोड़ा ज़्यादा है। अब इसे छोड़ के कोई भी कॉन मुझे नहीं मिला। अब ये अगर आपके लिए कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है तो अब बिल्कुल इस इंस्टेंट पॉट या राइस कुकर या फिर प्रेशर कुकर जो भी कहे बिल्कुल इसे कंसीडर कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मैं हूं ऋषि फ्रॉम टेक्निकल योगा साइनिंग आउट। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। थैंक यू।